Hello friends, a very very warm welcome to my channel again. मध्य प्रदेश एम पी पी एस सी 2019 के सिलसिले में हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें आज का हमारा नया वीडियो है मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में. देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टियाँ हैं. देश में कुछ टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश में कुछ मिट्टियाँ पाई जाती हैं. मुख्यतः तीन टाइप की मिट्टियाँ हैं और उन्हीं में से फिर मिक्स हो के और टाइप की मिट्टियाँ बनती हैं, वो भी हम इसमें कवर करेंगे. तो देखिए जैसे लिखा है कि देश में प्रमुखता से तीन प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं. कौन सी? काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी. कौन सी है? काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी. लाल व पीली मतलब मिक्सचर रहता है, लाल रहती है, लाल पीली दोनों रहती है. फिर है जलोढ़ मिट्टी. आइए जानते हैं काली मिट्टी के बारे में. काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावा चट्टानों के क्षरण से बनता है. याद रखेंगे काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावा चट्टानों के क्षरण से बनता है. अब देखिए यह मिट्टी मालवा के पठार, नर्मदा घाटी में सतपुड़ा के कुछ भागों में मिलती है. कहाँ मिलती है? यह मिट्टी मालवा के पठार व नर्मदा घाटी के सतपुड़ा में के कुछ भागों में मिलती है. अब देखिए मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी साधारणतः तीन श्रेणियों की है. पहली गहरी. अब देखिए इसका एरिया कौन सा है? नर्मदा वैली, सतपुड़ा रेंजेस और जो दक्षिणी मालवा पठार है यानी सदर्न मालवा प्लेटू. याद रखेंगे गहरी वाली जो काली मिट्टी है वो है नर्मदा वैली, सतपुड़ा रेंजेस और सदर्न मालवा प्लेटू यानी कि दक्षिण मालवीय पठार. फिर सामान्य काली मिट्टी जो है वो है नॉर्दर्न मालवा प्लेटू यानी कि उत्तरी मालवा पठार में और निमाड़ के रीजन्स में पाई जाती है, निमाड़ी क्षेत्र में. फिर है छिछली काली मिट्टी. ये है छिंदवाड़ा सिवनी बैतूल में इसकी अधिकता है. अब देखिए ब्लैक सॉइल का जो एरिया है वो यहाँ पे कुछ थोड़ा डेटा दिया हुआ है, इसको एक मैप भी दिखाऊंगा मैं आपको. देखिए भोपाल, बैतूल, बड़वानी, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, देवास, विदिशा, शाजापुर, जबलपुर, खंडवा, रायगढ़, मंदसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीधी, शिवपुरी, सिवनी, सीहोर, सागर, गुना, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ. अब देखिए आपको ये लग रहा होगा लगभग मध्य प्रदेश तो आ ही गया है. ऐसा नहीं है. जैसे कोई अगर एक जिला है मान लो नरसिंहपुर, तो ऐसा नहीं कि पूरे ही क्षेत्र में वहां पर काली ही मिट्टी पाई जाती है. पार्टली पाई जाती है, पार्टली यानी कुछ हिस्सों में पाई जाती है इन शहरों के. तो ये एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो काली मिट्टी पाई जाती है. अब देखिए एक मैप मैंने लाया हूँ, यहाँ पे रेफरेंस देख लीजिए. ये मैंने IASExamPortal.com से मैंने ये मैप को उठाया है, आप वहां पे भी जाके देखिएगा. तो देखिए ये जो क्षेत्र दिखा रहा है, एक तो डार्क ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, लाइट ब्लैक सॉइल, ये काली मिट्टी के ही पूरे टाइप हैं. सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी का ही प्रकार आपको मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी मिट्टी का प्रकार पाया जाता है तो वो है काली मिट्टी. तो ये मैप आपने देख लिया. अब देखिए काली मिट्टी के बारे में, उसकी फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं. काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कपास की फसल के लिए ये अत्यंत उपयोगी होती है. तो कपास की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल. इस मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं. फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें जो है ना, माइन्यूट पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है. अब देखिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी अगर पीएच लेवल पे देखें तो पीएच लेवल 7 से पहले होती है, यानी 7 से 1 के बीच में इसकी पीएच होती है. और यह मिट्टी चिकनी व चिपचिपी होने के कारण इसकी जल को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी कि सरंध्र नहीं होती ये, यानी पोरस नहीं होती. इसलिए क्या होता है, इसमें पानी ठहरता ज्यादा है. और क्या होता है देखिए, इसमें एक इसकी चिपचिपी और चिकनी होने के कारण एक फायदा यह है कि इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये जल को धारण कर सकती है ज्यादा देर तक, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, चिकने होने के कारण जल निचली सतह तक नहीं पहुंच पाता. तो ये यहाँ पे एक दोष आ जाता है कि चिकनी होने के कारण जल नीचे तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि धारण करके रखा हुआ है मिट्टी ने, तो जल नीचे नहीं पहुंच रहा है समय पे. अब देखिए जिस कारण से इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, मैंने आपको बता दिया, और इसमें अपरदन भी कम होता है, ठीक है. आयरन व एल्यूमिनियम के यौगिकों के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है. क्वेश्चन आ सकता है कि काली मिट्टी के काले होने का कारण क्या है, तो आपको वहां पे ऑप्शन में रहेगा आयरन व एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स यानी कि यौगिक जो होते हैं
उनके कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। अब देखिए, यह मिट्टी जो है गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन व ज्वार इनकी खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काली मिट्टी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए और आगे देखते हैं। अब देखिए, इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा ये सब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए क्या किया जाता है कि इस मिट्टी में मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू और नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, दलहनी फसलों की खेती की जाती है जिससे इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। आपको पता होगा, हमने पढ़ा भी है बायोलॉजी में कि एजोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर ये सारे कौन क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से जीवाणु हैं। ठीक है, तो देखिए, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करके उसे नाइट्रेट में रूपांतरित करके मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका दोष क्या हो रहा है कि यह सूखने पर बहुत ही ज्यादा कड़ी हो जाती है। सीधे से आप लॉजिक लगाइए, जब हम घर में स्लैब ढालते हैं, जब छत बनाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जाता है उसको, ज्यादा से ज्यादा पानी, हालांकि आप बोलोगे कि वो तो सीमेंट होता है, पर याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे हम सीमेंट पे पानी ज्यादा डालते हैं तो जितना पानी है उतना सख्त, वैसे यहाँ पे भी है। जल को धारण करने की क्षमता इसकी सबसे ज्यादा अधिक है, एक तो चिकनी है, चिपचिपी है, इसलिए जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिससे इसमें हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट अगर मैनेजमेंट है किसी मिट्टी का तो वो काली मिट्टी का है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई काली मिट्टी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं लाल व पीली मिट्टी के बारे में। जानते हैं लाल व पीली मिट्टी की फिजिक्स और उसकी केमिस्ट्री कैसी होती है और वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। देखिए, यह मिट्टी मुख्यतः बघेलखंड का पठार अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए, काली मिट्टी भी अम्लीय थी, ये भी अम्लीय ही होती है, मतलब अम्लीय से क्षारीय होती है। यानी ये नहीं कह सकते कि इसको उदासीन कहा जा सकता है, यानी अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, जगह जगह पे डिपेंड करता है, पर आप याद रखिएगा अम्लीय से क्षारीय। इस मिट्टी का रंग लाल व पीले रंग लोह तत्व की अधिकता के कारण होता है। अब मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। ठीक है, देखिए, ये मिट्टी हल्की व सरंध्र होती है। तो अब देखिए, हल्की व सरंध्र आ गया यहाँ पे, पोरस, पोरस मतलब जिससे पानी निकल जाए। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इसकी जल धारण की क्षमता काली मिट्टी से तो कम ही है। ठीक है, इस मिट्टी को सामान्यतः उर्वर नहीं माना जाता क्योंकि और इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस व चूने की बहुत कमी होती है। सब बहुत मुख्य घटक हैं जो कि किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, देखिए, कलर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। इस मिट्टी में उपस्थित लोहा जो है उसका ऑक्सीकरण जो है, मतलब जब लोहा ऑक्सीडाइज होता है, इस मिट्टी में उपस्थित Fe जो है लोहा, वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, और वही फेरिक ऑक्साइड जब उसका हाइड्रेशन हो जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो लोह तत्व है उसके ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, और जब वो फेरिक ऑक्साइड जो लाल हो गया, अब वो जब हाइड्रेशन होता है, जब वो जल के अणु से मिलता है, ठीक है, तो फिर उसका रंग पीला हो जाता है। अब देखिए, ये बनती कैसे है, ये ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से निर्मित होती है। देखिए, लाल व पीली मिट्टी वाला जो अधिकतर क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में जा चुका है। मैं इसकी प्रमुख फसल आपको बताता हूँ कि लाल व पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों की प्रमुख फसल जो है वो चावल है। वैसे भी आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चावल जो है वो बहुत ज्यादा इसकी उपज होती है। ठीक है, और इसकी प्रमुखता मतलब MP में जो इस प्रमुखता है चावल की, धान जिसको बोला जाता है, वो है बालाघाट, रीवा, डिंडोरी, उमरिया, सीधी, मंडला, शहडोल, सिंगरौली, ये मतलब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए पार्ट हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, देख ली ऊपर यहाँ पे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, जो MP का ताज जो है, MP का सिर जिसको कहा जाता है, उस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। तब देखिए, यह मिट्टी कैसे बनी है, ये मिट्टी बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है। याद रखेंगे, यह मिट्टी किस मिट्टी की बात हो रही है, जलोढ़ एलुवियल मिट्टी की। यह मिट्टी बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है, और इसके मुख्य घटक कार्बोनेट्स होते हैं। इसमें तत्वों के कार्बोनेट्स पाए जाते हैं।
इसकी प्रकृति उदासीन है। इससे पहले हमने लाल मिट्टी का देखा था, लाल पीली मिट्टी का, ये अम्लीय से क्षारीय थी, और काली मिट्टी का हमने देखा था कि अम्लीय थी, उसकी जो पीएच वैल्यू जो थी, उसकी प्रकृति जो थी। अब देखिए इसमें यानी जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फॉस्फोरस इनकी कमी होती है। लाल मिट्टी में हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन, ह्यूमस व चूने की कमी होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम नाइट्रोजन, ह्यूमस व फॉस्फोरस की कमी होती है। तो वैसे ही देखिए इसमें भी जब नाइट्रोजन की नाइट्रोजन के लिए सक्षम बनाने के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा को बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, लेग्यूमिनस फसलों यानी लेग्यूमिनस यानी दलहनी फसलों को उसमें रोपा जाता है, जिससे क्या होता है फिर वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यह मिट्टी बहुत हल्की व सरंध्र होती है, इसमें हल चलाना बहुत सरल है। काली मिट्टी में हमने देखा था क्या कि सूख के इतनी कड़ी हो जाती थी कि उसमें हल चलाना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हल्की व सरंध्र है तो इसमें हल चलाना बहुत सरल है, और इसका दोष क्या हो जाता है, सरंध्र होने के कारण इसमें जल नहीं ठहरता। नहीं की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सरंध्र होने के कारण इसमें जल नहीं ठहरता। ठीक है, अब इसमें क्या लगातार पानी की आवश्यकता वाली फसलों के लिए बहुत कम उपयुक्त है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में ऐसी फसलें नहीं उगाई जा सकती जिनमें रेगुलर सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है, अब आ जाती है लोमी दोमट मिट्टी। देखिए मैंने आपको पहले बताया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि यहाँ पे देश में प्रमुखतः काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये बीच में दोमट मिट्टी कहाँ से आ गई, तो देखिए मेन जो मिट्टियां हैं वो तो ये तीन हो गई। अब इन्हीं तीनों मिट्टियों से कहीं कहीं मिक्स होके नई नई मिट्टियां बनती हैं। ठीक है, तो हमने जलोढ़ देख लिया, लाल पीली देख लिया और काली मिट्टी देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ लोमी दोमट मिट्टी के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोमट क्या होता है, एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वर है, उपजाऊ होती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट होता है, चिकनी मिट्टी भी होती है इसमें 20%, और बाकी का शेष जो 40% है वो बालू यानी कि रेत होती है। याद रखेंगे इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और शेष 40% बालू यानी कि रेत होती है। अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वर शक्ति अधिक होती है इसमें। ऐसी मिट्टी अपने कुल भार का 50% पानी रोकने की क्षमता रखती है। इस मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। दोमट मिट्टी में सिल्ट, बालू और चिकनी मिट्टी के अंश अलग अलग होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के दोमट बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बलुई दोमट, बलुई दोमट मतलब इसमें क्या है, सैंड यानी कि रेत की मात्रा ज्यादा है। सिल्टी दोमट मतलब सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, जैसे देखिए यहाँ पे सिल्ट भी है, चिकनी मिट्टी भी है, बालू भी है, तो जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी वैसा दोमट बनेगा। या फिर चिकनी दोमट, चिकनी मिट्टी का परसेंटेज ज्यादा है इस मिट्टी में। फिर बलुई चिकनी दोमट यानी कि बलुई और चिकनी मिट्टी जो है उन दोनों का प्रतिशत सिल्ट से भी ज्यादा है। अलग अलग टाइप की दोमट अलग अलग टाइप की वेजिटेशन और फसलों के लिए यहाँ पर उपयोगी है। अब देखिए चिकनी मिट्टी की अपेक्षा दोमट मिट्टी में अधिक पोषक पदार्थ, अधिक नमी और अधिक ह्यूमस होता है। पोषक पदार्थ भी अधिक है, नमी भी अधिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए। ह्यूमस भी अधिक है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उर्वर होगी और एकदम बेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा फसलों की उपज के लिए। फिर देखिए दोमट मिट्टी की जुताई जो है वो चिकनी मिट्टी की अपेक्षा आसान हो जाती है। ठीक है, क्यों, देखिए इसमें रेत वेत भी है तो हल चलाना, जुताई करना, निराई गुड़ाई, ये सारी चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। मेहनत तो लगती है पर उतनी नहीं जितनी काली मिट्टी और बाकी मिट्टियों के परिप्रेक्ष्य में लगती है। दोमट मिट्टी बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि किसी बलुई या चिकनी मिट्टी में भी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ मिले हों तो उसके गुण भी दोमट जैसे ही होंगे। देखिए क्या लिखा, देखिए यदि किसी बलुई या चिकनी मिट्टी में भी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ मिले हों तो उसके गुण भी दोमट जैसे ही होंगे। ये आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हो मिट्टियों के बारे में, और मध्य प्रदेश कृषि विभाग की जो वेबसाइट है वहां पे भी जाके आप मिट्टियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं अब देखिए इसकी मुख्य फसल है ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाज। ये मोटे अनाज जो होते हैं उनके लिए ये जो दोमट मिट्टी है, लोमी या फिर दोमट बोलते हैं उसको, तो ये मिट्टी जो होती है
ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अब एक और मिट्टी आती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? हमने काली मिट्टी देख ली, हमने लाल व पीली मिट्टी देख ली, और हमने देख ली लोमी व दोमट, और हमने साथ में देखी थी जलोढ़ मिट्टी। अब हम देख रहे हैं लेटराइट मिट्टी। अरे ये मिट्टी ऊंचे सपाट अपरदन वाले धरातलों पर मिलती है। अपरदन मतलब क्या होता है? इरोजन, यानी मिट्टी की जो लेयर है उसका कटाव, उसका बह जाना, उसका झड़ना एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसे ऊंचे सपाट अपरदन वाले धरातलों पर ये मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी लाल भूरे रंग की होती है। इसका यह रंग एल्यूमिनियम व आयरन की ऑक्साइड्स की उपस्थिति तथा ह्यूमस की कमी के कारण होता है। आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स तो हैं पर इसमें ह्यूमस नहीं है, तो ये भी अनुपजाऊ हो गई। ठीक है, देखिए अब यहां लिखा है इसके अनुपजाऊ होने का कारण विक्षालन है, यानी लीचिंग। अब मैं आपको लीचिंग बताता हूँ। लीचिंग यानी क्या होता है? जहां पे अधिक पानी होने के कारण, या फिर जो जैसे यहाँ लिखा है देखिए ऊपर, अपरदन, ऊंचे सपाट अपरदन वाले जो एरियाज हैं वहां पे क्या होता है? पानी के बहाव के कारण क्या होता है? अपरदन होने के कारण जो पानी में घुलनशील किसी भी पौधे या किसी भी फसल के लिए जो उपयोगी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि बहुत आवश्यक होते हैं फसलों की उपज के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बह जाते हैं, वो मिट्टी में रह नहीं जाते हैं, तो इस कारण से वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सॉइल लीचिंग, इसको विक्षालन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यह मिट्टी लाल काली व पीली मिट्टियों का मिला जुला रूप है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सारी मिट्टियां एक दूसरे से मिलकर ही नई मिट्टी बनती है। ठीक है, यह मिट्टी टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी आदि जिलों में यह सब पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व जैव तत्वों की कमी होती है, अतः सामान्यतः इसे वेजिटेशन के लिए उर्वर नहीं माना जाता, मतलब सब्जी भाजियों के लिए और सब्जी भाजी फसलों के लिए जो इसे उर्वर नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए पहले हमने देखा ह्यूमस भी नहीं है, फिर यहाँ पे सॉइल लीचिंग के कारण क्या, इसके जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो बह ही जाते हैं, तो बचा क्या इस मिट्टी में, तो प्लांट उगेगा कैसे? ठीक है, तो ये थी लेटराइट मिट्टी। अब हाँ, इस मिट्टी में केवल मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं जिनको हाँ ठीक है, इस मिट्टी में केवल मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। तो हमने मिट्टियां देख लिया, अब हम देखते हैं मृदा, यानी मिट्टी का अपरदन, यानी कि सॉइल इरोजन, सॉइल का कटाव, उसका झड़ना। मृदा अपरदन से तात्पर्य मिट्टी की ऊपरी परत के कटाव से है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी उर्वर परत जो है वो बह जाती है, वो झड़ जाती है, बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, और मिट्टी की गहराई जो है वो कम हो जाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः क्या आप याद रखिएगा, मृदा अपरदन क्या होता है कि ऊपरी परत का जो कटाव होता है, और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की ऊपरी उर्वर परत जो है वो क्या होती है? बह जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रमुखतः चंबल घाटी और नर्मदा घाटी के जो किनारे के जो क्षेत्र हैं, उन जहाँ पे तेज ढाल है और वहां पे वनस्पति यानी तेज चराई, जो जबरदस्त चराई जहाँ पे कराई जाती है, उसके कारण खड़ी बरसात की स्थिति में मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वहां वहां पे कटाव होने लगता है और वो बह जाती है। क्यों, कैसे होगा? देखिए जब वहां पे बहुत ज्यादा चराई कराई जाती है और तेज ढलान है, ठीक है, चराई हो जाएगी तो वहां पे जो घास थी, जो वनस्पति था जो कि मिट्टी को पकड़ के रखे थे, तो वो नहीं रहेंगे तो मिट्टी वहां ठहरेगी कैसे? इसलिए कहा जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए ताकि मिट्टी बची रहे, मिट्टी बची रहेगी, वृक्ष बचे रहेंगे, तो पानी जो भूमि की पानी को रिटेन करने की, अपने पास सहेज के रखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में मुख्यतः चंबल घाटी व नर्मदा के किनारे स्थित क्षेत्रों में तेज ढाल व वनस्पति की जबरदस्त चराई के कारण खड़ी बरसात की स्थिति में मिट्टी की ऊपरी सतह जो है उसमें कटाव होने लगता है। ठीक है, अब मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में जो मुख्य कारण है मृदा अपरदन की, वो क्या है? एक तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का सफाया, तीव्र ढलानों पर खेती, एकदम खड़ी ढलाने हैं बिल्कुल, फिर अतिशय चराई, एकदम जबरदस्त चराई, इसके कारण भूमि की ऊपरी सतह वनस्पति विहीन हो जाती है और जो प्लांट्स जो मिट्टी को थाम के रखते हैं, जो पकड़ के रखते हैं, वो नहीं रह जाता, जिस कारण से मिट्टी ऊपरी सतह जो बह जाती है। वनों का सफाया, तीव्र ढलानों पर खेती और अतिशय चराई, ये तीन चीजें जो हैं मृदा के अपरदन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब देखिए चंबल घाटी में मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन,
मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में विशेषकर मुरैना जिला जो है वहां पे मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। कहां पर है क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन की समस्या है, तो मुरैना आपको याद रखना है। इसका कारण क्या क्या है, देखिए इस क्षेत्र में हल्की दोमट मिट्टी पाई जाती है, फिर वनस्पति आवरण बहुत कम है, यानी कि वनस्पति से यानी कि पेड़ पौधों से बहुत कम ढकी हुई है वो जमीन, अतिशय चराई ने भूमि की सतह को अनावृत कर दिया है, यानी खूब ज्यादा जो चराई है जबरदस्त चराई कराई जाती है जो वहां पे कैटल्स की यानी मवेशियों की, उसके कारण वहां की जो सतह है वो अनावृत हो गई है। ठीक है, इन कारणों से ही इस क्षेत्र में गली इरोजन यानी अवनालिका अपरदन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अवनालिका अपरदन गली इरोजन भी एक प्रकार का क्षरण है मिट्टी का, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वो। गली इरोजन मतलब जो सरफेस वाटर होता है और मिट्टी के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, निकासी सिस्टम होता है, तो उसके साथ ही जो मृदा है उसका अपरदन हो जाता है, इसको गली इरोजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे की जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, पर ध्यान देना चाहिए, आने वाले समय में बहुत मुसीबत आ जाएगी। लोगों को ऐसे ही रहता है कि भैया जब तक के आग ना लगे तब तक के हम पानी की व्यवस्था क्यों करें। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सब यंग हैं, मैं आपको जरूर चाहूंगा, वीडियो तो आपने देख लिया है, पर ये जो पांच चीजें हैं ये पांच चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इंटरटेनमेंट तो आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर पहले प्रायोरिटी डालिए। तो मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे की जा सकती है, मृदा अपरदन अगर आप रोकते हैं तो वो आपके जीवन पे बहुत ज्यादा असर डालेगा और वो असर पॉजिटिव होगा, आपको हर जगह पे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे की जा सकती है, वनों की कटाई व अतिशय चराई की जो प्रवृत्ति है उसको एनी हाउ रोकना पड़ेगा, यानी डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, रोड्स बनाने, बिल्डिंग बनाने इन सब के नाम पर, कॉरिडोर्स बनाने के नाम पर, और अतिशय चराई मतलब बेतहाशा जो मवेशियों की चराई की जाती है उनके लिए डेडिकेटेड प्लेसेस बनानी चाहिए, डेडिकेटेड चराई वन बनाना चाहिए कि वहीं पे वहां पर चराई की जा सकती है। ठीक है, दूसरा ढालदार क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती। क्या होता है, अगर ढाल है तो वहीं पे उपज करने लगते हैं, वहीं पे खेती करने लगते हैं, उसको सीढ़ी नुमा बनाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये अपरदन जो है वो नहीं होगा, पानी भी बचेगा और जड़ें जो हैं वो मिट्टी को भी रोक के रखेंगी। फिर खेतों की मेड़बंदी, जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, एक तरीके से जैसे प्लॉटिंग की जाती है, जैसे बाउंड्रीज बनाई जाती है, उसकी बात, सघन कृषि और वृक्षारोपण। वृक्षारोपण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वृक्षारोपण अगर एक साल में, वृक्षारोपण पर एक साल में भी अगर ध्यान दिया गया तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते कि उस वृक्षारोपण पर नजर रखी जाए, ऐसा नहीं कि वृक्ष लगा दिया और भूल गए कि भैया हमने अपना काम कर दिया। आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपने जो वृक्ष लगाया है, आपने जो भी पौधा लगाया है, आपके बच्चे के समान है, आपके दोस्त के समान है, वो आपके लिए एयर को, हवा को क्लीन करता है, ऑक्सीजन से ज्यादा कोई जरूरी चीज नहीं है। जितना ज्यादा वृक्ष होंगे उतना ज्यादा प्योर एनवायरनमेंट होगा। आप कितनी मशीनरी लगा लीजिए, कितने ही आविष्कार कर लीजिए, पर वो आविष्कार वो सब नहीं कर सकते जो कि वृक्ष कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको मिट्टियों के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो भी मध्य प्रदेश से संबंधित ही होगा, MPPSC 2019 से रिलेटेड। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको ऐसे वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।